क्लास 5th 6th 7th 8 जो लोग फर्स्ट आते थे वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। फर्स्ट ऐसे खड़े होते थे, फर्स्ट आए ऐसे, उनको पेंसिल बॉक्स बॉक्स इनाम में दिया जाता है। ये फर्स्ट आए हैं, आए होंगे फर्स्ट, मार के तुम्हारा मार्कशीट फाड़ देंगे, क्या फायदा तुम्हारे फर्स्ट आने से। अभी तो ज़्यादातर लड़के जो लड़के बहुत अच्छे हैं, बहुत बगावत नहीं है, नहीं कुछ कह सकते बेचारे, सब बहुत परेशान हैं, ओपनली बोल ही नहीं पाते, ना टीचर को बोल पाते हैं ना पेरेंट्स को बोल पाते हैं, और जब आप अपनी बात किसी से कह नहीं पाते तो आप अंदर ही अंदर कितने घुटते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स। किसी को नीचा नहीं दिखाना है, जो शिक्षा किसी को नीचा दिखाना सिखा रही हो जो एजुकेशन किसी को नीचा दिखाना सिखाती हो, नीचा कि हम फर्स्ट आए हैं, आए हो गए वे, मार के तुम्हारा मार्कशीट फाड़ देंगे, क्या फायदा तुम्हारे फर्स्ट आने से। जो शिक्षा ये ना सिखा पाए कि यार कोई फर्स्ट सेकंड की बात नहीं होती। भाई हमारे स्कूलों में यही तो हुआ, तुम्हारे साथ भी हुआ होगा कि ये फर्स्ट आए हैं, आए होंगे फर्स्ट, क्लास 5th 6th 7th 8 जो लोग फर्स्ट आते थे वो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। फर्स्ट आए हैं, फर्स्ट ऐसे खड़े होते थे, फर्स्ट आए ऐसे, उनको पेंसिल बॉक्स बॉक्स इनाम में दिया जाता था। एक साहब का पेंसिल बॉक्स मैंने छीन लिया, दूसरे दिन सब शिकायत, मेरा पेंसिल बॉक्स ले लिया है, मैंने कहा पेंसिल बॉक्स नहीं बचा पा रहे हो, सोचो क्या क्या छीनेंगे तुम्हारा। देखो उस आदमी की समझ का लेवल इतना प्यारा है, यही तो है, वो मूवी बहुत प्यारी है, उस मूवी को तो सूर्यवंशम की जगह उस मूवी को हर संडे को दिखाना चाहिए, और हीरा ठाकुर की जगह ये जो मूवी है थ्री इडियट, कुछ मूवियों को इंडिया में दिखा जैसे तारे जमीन पे है दिखाना चाहिए, थ्री इडियट दिखाना चाहिए, सब मूवियां दिखाना चाहिए कि कुछ तो पेरेंट्स लोग सीखेंगे। भाई हमारा ये हमारी इच्छा इंजीनियरिंग करने की नहीं है तो काहे जबरदस्ती कर रहे हो। मैं तो कई बार ऐसा देखा हूं कि पेरेंट्स जबरदस्ती बच्चों को लेकर आए, नहीं साहब इसको IAS ही बनना है। फिर मैंने उस लड़के से पूछा, मैंने कहा बाबूजी तुम्हारी इच्छा है, नहीं हमारी तो इच्छा नहीं, मैंने कहा तुम क्या करना चाहते हो, हम तो साहब ये करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, हम क्या कर लो यार, पापा कह रहे घर से भगा देंगे। ये सब कोई कहने की बात है यार, अगर तुम्हारा मन नहीं लगेगा पढ़ाई में तो ये कर लोगे पढ़ाई तुम। इंटेलेक्चुअल मतलब वो आदमी जिसको छुपी हुई चीजें दिखाई पड़ती हूं, जैसे आज तुमको लगता होगा हिंदू मुसलमान गलत हैं, दलित ब्राह्मण गलत है, कोई गलत नहीं है। आज भारत की समस्या है जनसंख्या, आज भारत की समस्या है आर्थिक कमजोरी, यही हिंदू मुसलमान सब इतने प्यार से इस कंट्री में रहे हैं, आज से रहे हैं, शिवाजी की आर्मी में मुसलमान, महाराणा प्रताप की आर्मी में मुसलमान, किसकी आर्मी में मुसलमान नहीं, आगरा से जो आदमी जिस आदमी ने छत्रपति शिवाजी को बाहर निकाला वो मुसलमान ही तो है। बाबा साहब अंबेडकर को जो नाम मिला अंबेडकर वो उनके ब्राह्मण टीचर से ही तो मिला, बाल गंगाधर तिलक के बेटे बेटे ने अंबेडकर के लिए सुसाइड कर लिया, ये तुमको कोई नहीं बताएगा। बाल गंगाधर तिलक के बेटे ने डॉक्टर अंबेडकर के लिए सुसाइड कर लिया, इतनी अच्छी दोस्ती थी अंबेडकर और बाल गंगाधर तिलक के बेटे से।
महाभारत का जो पात्र होते थे उन पात्रों के नाम के आगे कोई टाइटल है? युधिष्ठिर तिवारी, अरे कोई टाइटल है? बता दो कोई टाइटल हो तो। रामकृष्ण परमहंस के एक शिष्य थे, रसिक, नाम लिख लो, अछूत थे, अछूत। रामकृष्ण परमहंस अपने बगल में बैठाते थे, रसिक नाम लिख लो, रसिक, अछूत थे, अनटचेबल। और रामकृष्ण परमहंस ब्राह्मण संत अपने बगल बैठाते थे भीड़ में से बुलाकर। जिस आदमी ने सबसे पहले जातिवाद के खिलाफ जिहाद छेड़ा वो आदमी है राजा राम मोहन रॉय। अंबेडकर तो बहुत बाद में आए हैं। लेकिन चूंकि एजुकेशन पॉलिसी ने देखना तो सिखाया नहीं, टेंथ के बाद हिस्ट्री किसी ने पढ़ी नहीं, तो ऐसे आदमी को जो भी समझा दो टाइप करके लिखना ही तो है, बस व्हाट्सएप चैनलों पे डाल दो। मतलब यहां की अगर जनमानस पे तुम अगर ध्यान दो और इनकी बातों पर और इनके फॉर्मूलों पर, तो खत्म है जिंदगी। वो तो हमारे पिताजी ने इनकी कभी बात ही नहीं सुनी, नहीं तो किसी एमएनसी में काम कर रहे होते पैकेज पे। पैकेज काम करते रहते हैं, अपने मन से करते हैं, जब तक मन किया किया, नहीं तो बाहर आ गए। कंपनी कह रही भैया, बोले आ जाएंगे 2 महीने, अभी घूमने जा रहे बाहर। तो तुम्हारे पिताजी ने समाज की बात ही नहीं सुनी। मेरा पूरा क्लास जो मैथ से पढ़ रहा था वो इंजीनियरिंग की कोचिंग करने गया था, और जो बायो से पढ़ रहा था वो पीएमटी, पूरा क्लास। और हम भी भेजे गए थे, तब कृष्णा कोचिंग हुआ करती थी, कृष्णा और ससदेवा जो दो कोचिंग हुआ करती थी 90s में, हम भी भेजे गए थे। हमारी माता जी ने कहा था पीएमटी की तैयारी करनी। अरे मैंने कहा काहे पागल बना रही हूं मुझको, हमसे नहीं होगी पढ़ाई वढ़ाई। उतने में तो लगे चिल्लाने वो, अरे भैया सब बर्बाद हो गया, अरे भैया। हमने कहा यार अच्छी खासी ठेकेदारी चल रही सिंचाई विभाग में, थोड़ा सा पीडब्ल्यूडी का काम मिल जा रहा है, तुम काहे हमको परेशान कर रही हो पढ़ने के लिए। तुम्हारे पिताजी ने हमको रात में बोला जाओ बे घूम टहलो आराम से, कोई जरूरी कोई वहां देखने जा रहा है। हमने उनको बिठाया, हमने कहा चाचा बर्बाद दे करके छोड़ोगे? अरे बोले जो सारे काम यहां कर रहे हो वहां करो जाके, क्यों लड़ रहे हो यार अपनी माँ, जाओ कह दो हम कोचिंग करेंगे। और हमारी अंतर का आत्मा ना कहे कि हम उनसे कह दे कोचिंग करेंगे, पढ़ना है ही नहीं यार, जबरदस्ती क्यों बेवकूफ बनाना जब पढ़ना ही नहीं है, बैठना ही नहीं। और किसी दूसरे को नहीं अपने को क्यों बेवकूफ बनाना? फिर भी हमने जाके उनसे कहा कि अच्छा खाना वाना छोड़ दी, अच्छा भैया खाना नहीं। हमने कहा अच्छा मैं जा रहा हूं इलाहाबाद में करूंगा कोचिंग, जा रहा है। अब भैया मेडिकल की क्लास में वो आए पहले दिन पढ़ाने, फिर जिसका कोई टीचर आया था लगा कहा फ्लूइड डायनेमिक, अरे मैंने कहा अरे बाप, बर्नौली प्रिंसिपल डिपेंड्स अपॉन स्पीड हाइट और ये वो बताएं। अब तो पढ़ डाले ना, तब तो घर पढ़े नहीं थे, अब पढ़े फिर से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब पढ़े, अब मजा आ रहा है ना। अब जबरदस्ती है ही नहीं, कंपल्शन है ही नहीं, कंपटीशन की बात ही नहीं है कोई, अब मजा आ रहा है पढ़ाई में। लेकिन वहां दो तीन टीचर, जैसे मैंने कहा एक हमारे एम्पति सर थे वो मिल गए, वहां दो तीन टीचर शानदार टाइप के मिल गए, तो उनकी क्लास में मजा आने लगा।
लगा यार यार कितना बढ़िया पढ़ा रहे, ऑस्मोसिस ऑस्मोसिस उस आदमी ने पढ़ाया आज तक भूला ही नहीं। तुम्हारे पिताजी ने कहा यार पीएमटी का फॉर्म भर देना। अरे हमने कहा बाबूजी काय परेशान कर रहे हो। हमारा समाज ही ऐसा है, यहां आपकी कोई राय नहीं चलती। तभी तो ज्यादातर लड़के, जो लड़के बहुत अच्छे हैं, बहुत बगावत नहीं है, नहीं कुछ कह सकते बेचारे, वो सब बहुत परेशान रहते हैं, मना ही नहीं कर पाते, ओपनली बोल ही नहीं पाते, ना टीचर को बोल पाते हैं ना पेरेंट्स को बोल पाते हैं, और जब आप अपनी बात किसी से कह नहीं पाते तो आप अंदर ही अंदर कितना घुटते हैं। मकान मालिक आपको टॉर्चर करता रहता है कि रात में 8 बजे लाइट बंद कर देना। हम लोग को अगर हॉस्टल के अलावा कहीं रहना होता तो हम लोग तो ना रह पाते। हम जाते थे जिन लड़कों कमरों पे, जो मतलब डेलीगेशन बेचारे रहते थे, जब वो बताते थे सारी दिक्कत कि स्टोव चलाते हो, यहाँ देखो सारा दीवार काली हो जा रही, हमने कहा भाई ला के रात में काला पेंट करते यहाँ उठा। अरे नहीं नहीं भैया यहाँ मत खड़े होना, वहां मत खड़े होना। अरे बहुत सारी चुनौतियां, हमारी आदत है नेगेटिव चीजों को पकड़ने की, और हमेशा दूसरों से सीखना चाहिए। जैसे पश्चिम से हम इतनी चीजें सीख सकते हैं, उनका जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अभी हम क्या कर रहे हैं पुराने वाले निकाल रहे हैं। हमारे यहां पहले एटम खोजा गया, अबे अभी 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 क्या कर रहे हो, बोइंग बोइंग बनाओ कुछ अब करो, पुराना वाला तो अच्छा है। ये भी उल्टी सीधी आदत हमारी, लोग मिलते हैं कहते हैं हमारे बाबा जी गवर्नर थे, तुम हम तो भीख मंगे हैं। इतनी घटिया आदत, तुम जो हो वो बताओ ना यार, तुमको इज्जत नहीं मिलेगी। मैं हमारे घर में कोई गवर्नर नहीं था, हम किसको जाके बता दें, हम तो एक सामान्य परिवार से हैं। हमारा को तो कोई पुराने इतिहास है नहीं कि भैया बहुत बड़े परिवार से थे और हाथी बांधा जाता था हमारे पुरखों घर में, और हमको कोई बता दे तो हम मारे अलग से उसको कि चल रहे हो साइकिल पे और बाटा का जूता पहने हो 300 रुपए का और पुरखों कहानी बता रहे हो। हमेशा अपनी बात किया करो, ये जो फालतू का गर्व पैदा करने की कोशिश की जाती है ना वो बिल्कुल गलत है। तुम अपना नाम बनाओ, अपना क्रिएट करो कि तुम्हारे आने वाले पीढ़ियां तुम्हारे परिवार को तुम्हारे नाम से जाने, बस बात खत्म हो गई। इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है।